हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर डार्क माइंड में बहुत स्वागत है। क्या आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कामों को करने के लिए लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, पर आपका बजट सिर्फ 35,000 से लेकर 40,000 तक है? इसलिए आज मैं आपको एचपी के एक नए लैपटॉप के बारे में बताऊंगा, जिसे एचपी ने रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया था। और इस लैपटॉप में आपको इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर के साथ में 512 GB की SSD स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि क्या यह लैपटॉप डेली के वर्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील होगी या नहीं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। आज मैं जिस लैपटॉप की बात कर रहा हूँ वो है HP 250G8 नोटबुक PC 3D 4T7PA। इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटिंग वाला फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और बता दूं, इस लैपटॉप में टू साइडेड माइक्रो एजेस देखने को मिलेंगे। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफ़ी स्लिम एजेस प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे आपको डिस्प्ले में एक बहुत ही अच्छा सा ब्राइट व्यू देखने को मिल जाता है। पर नीचे का बेजल थोड़ा सा मोटा है और आपको लैपटॉप के डिस्प्ले में 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमट देखने को मिलती है। और लैपटॉप के डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं, और HP के इस लैपटॉप का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। यह लैपटॉप पूरी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ है, और बता दूं लैपटॉप के बैक पैनल में आगे और पीछे रबर ग्रिप्स देखने को मिलती हैं, जो लैपटॉप में एक अच्छा ग्रिप और कूलिंग बनाए रखेगी। इस लैपटॉप के डायमेंशंस के बारे में बताऊं, तो इस लैपटॉप की विड्थ 35.8 सेंटीमीटर्स, डेप्थ 24.2 सेंटीमीटर्स, और इस लैपटॉप की हाइट 1.99 सेंटीमीटर्स है, और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.74 किलोग्राम है। और यह लैपटॉप हाथों में पकड़ने पर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है। यह HP का एक लाइट वेटेड लैपटॉप है। आप इस लैपटॉप को बैग में इजीली कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, और यह ब्लैक कलर में आता है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस लैपटॉप में इंटेल का 10th जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें 1.2 GHz की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 3.4 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी। और इसमें 2 कोर्स और 4 MB कैशे मेमोरी देखने को मिलेंगे। और इस लैपटॉप में 512 GB की SSD स्टोरेज दी गई है, और इसमें 4 GB की 2666 MHz की स्पीड वाली DDR4 RAM दी गई है, जिसे आप 8 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, और इसमें RAM के लिए एक MT स्लॉट देखने को मिल जाता है। और बता दूं, इस लैपटॉप में इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, पर आपको इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। और इस लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल विंडोज 10 होम देखने को मिल जाएगी, और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ। पर आपको इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 देखने को नहीं मिलेगा। और HP ने इस लैपटॉप में ड्यूअल स्पीकर्स दिए हैं। स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और वीडियो कॉलिंग के लिए इस लैपटॉप में HD वेबकैम देखने को मिलेगा, वो भी इंटीग्रेटेड डिजिटल माइक्रोफोन के साथ। और कैमरा की वीडियो क्वालिटी लैपटॉप के प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में। HP ने इस लैपटॉप में वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5 प्रोवाइड करवाया है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वाईफाई 6 से आप फाइल्स को 3 गुना ज़्यादा फास्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और ब्लूटूथ 5 से आप हैवी फाइल को फास्ट शेयर एंड रिसीव कर सकते हैं। और पोर्ट्स के बारे में बताऊं, तो इस लैपटॉप में आपको 2 3.0 के USB टाइप पोर्ट्स, 1 USB टाइप सी पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 Ethernet पोर्ट, 1 microSD कार्ड का स्लॉट, 1 3.5 का हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है। पर इस लैपटॉप में ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं दी गई है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड और टचपैड के बारे में। इस लैपटॉप में फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिलता है। कीबोर्ड के कीज के बीच की डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप स्मूथली टाइपिंग कर सकते हैं। पर इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड नहीं दिया गया है, जो थोड़ा सा निराश करता है। और इस लैपटॉप का टचपैड मल्टी टच गेस्चर्स सपोर्ट करता है। टचपैड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। और बता दूं, HP के इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 41 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, और आपको इस लैपटॉप में 5 से 6 घंटों तक की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, और इसके साथ 65 वॉट का पावर अडैप्टर देखने को मिल जाता है। और चलिए अब बात करते हैं कि लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप, पावर अडैप्टर, पावर कॉर्ड और लैपटॉप के यूज़र मैनुअल देखने को मिलेंगे।
एचपी का यह लैपटॉप बिजनेस वर्क हो या आपके पर्सनल डे टू डे टास्क के यूज के लिए काफी जबरदस्त डील है, और इस लैपटॉप में 40,000 के बजट के अंडर में काफी बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करूं तो लैपटॉप की कीमत के हिसाब से काफी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, और इस लैपटॉप में इंटेल का 10th जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसके साथ में इंटेल का UHD GPU देखने को मिलता है, जिससे आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग करनी पड़ती है और मल्टीपल टैब्स ओपन करने पड़ते हैं, तो आपको इस लैपटॉप में किसी तरह का कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, और आप इसमें सभी तरह के वर्क स्मूथली कर सकते हैं। और बता दूं, इस लैपटॉप में M.2 NVMe SSD स्टोरेज दी गई है, जो हार्ड डिस्क से 100 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होती हैं, जिससे आपको इस लैपटॉप में फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी। यानी आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, और आपको HP के इस लैपटॉप में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और इस लैपटॉप पर आपको पूरे एक साल की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिलती है। आप इसमें 6 से 7 घंटों तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं, और आप इस लैपटॉप को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। वाकई में HP का यह लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 38,990 रुपये, और आप इस लैपटॉप को अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा, आप अमेज़ॉन पर जाकर इस लैपटॉप को चेक कर सकते हैं। यदि आप इस लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, और आप इस लैपटॉप को EMI पर भी खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।